आपका जो एजेंट था गोरखपुर में, वो बोला आपसे कि हम आपको यहाँ पे मॉल पे पैकिंग की नौकरी लगवा जी, आपसे 80,000-90,000 पैसे के लिए। हम जो है आप लोग से यही कहेंगे कि भाई जो अगर दुबई या फिर सऊदी कहीं भी जाना हो तो एम्प्लॉयमेंट वीजा करिएगा। आईटी एजेंट सारे जो होते हैं बहुत कमीने होते हैं, ये वीजा क्या है, हमने बहुत बड़ी गलती की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। गाइज आज आपको मैं एक उत्तर प्रदेश के बंदे से मिलवाने वाला हूँ जिसने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि उसको एजेंट ने कैसे यहाँ पर लाकर फंसा दिया। हम लोग कैफेटेरिया पे चाय पी रहे थे तो उस टाइम वो बंदा आया, बहुत परेशान दिख रहा था। वो कैफेटेरिया वाले से बोला कि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, आप मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा दें। वो बोला कि नहीं भाई जगह नहीं है, कहीं और देख लो। फिर हम लोग चाय पी के जब बाहर निकले तो उससे मैंने पूछा भाई क्या बात हो गई, तो उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये मेरी वीडियो जो गांव देहात के बंदे हैं जिनका कोई रिलेटिव कोई रिश्तेदार यहां पे नहीं रहता है, उनको गल्फ कंट्रीज़ या प्रदेश के बारे में नहीं मालूम है, वो कैसे बेचारे फंस जाते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए लालच में आ जाते हैं, पैसा नहीं होता उनके पास फिर भी वो लोगों से उधार ले के कैसे कैसे करके प्रदेश में आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद उन बेचारों के साथ क्या होता है, आप इस बंदे के ज़बानी खुद सुन लीजिए। सर हमको जो है इंडिया में बताए थे कि तुमको मॉल में पैकिंग का काम करना है, 5 घंटे ड्यूटी है, 950 सैलरी है, पर 250-300 कंपनी खाना देगी, अगर खाना नहीं देगी तो उसका पैसा देगी। यहाँ पे आने के बाद 15 दिन हम लोग बैठे थे अजमान चाया मार्केट, सिल्वर स्टार होटल है उसी के सामने, फिर वहाँ से एक मलिक सर है कोई यहाँ पे लेके आए हमको, और शायद 2-3 दिन वहाँ पे बैठे थे, किसी दिन काम लगा दिए। अब होटल पे जो हमको लाके लगाए बोले कि 12 घंटे ड्यूटी करना है, 11 सैलरी है, तो एक दिन यहाँ पे काम किए तो वो बता रहा कि ये है सैलरी है, उन्हें मैंने मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, खाना पानी मिलेगा, उसके बाद उसमें इतना काम है कम से कम 14 घंटा या 15 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, ढेर सारा बर्तन आता है जाता है डेली, दिन भर बर्तन धो, उसके बाद शाम को है इतना बर्तन खाली होगा होटल का, पूरा बर्तन धो पूरा साफ करो। हमने बोला भैया आप तो कल लिए कल संडे का खा लिए, आज आए थे दोपहर को 12:30-12 बजे आ रही घंटा किए और इतना बर्तन धो कि बारह तक हमने कहा भैया इतना काम लेकर पाई गया है कि हमको बताया दूसरा कुछ हो रहा है दूसरा कुछ। भाई साहब हम जो है आप लोग से यही कहेंगे कि भाई जो अगर दुबई या फिर सऊदी कहीं भी जाना हो तो एम्प्लॉयमेंट वीजा करिएगा, आईटी एजेंट सारे जो होते हैं बहुत कमीने होते हैं, ये वीजा क्या है, हमने बहुत बड़ी गलती की है। सुना कि हम जब कल रात को ड्यूटी लगे थे उनका हमको बुलाया कि काम तुमको दिखाएंगे, और काम दिखाने के लिए जो है काम दिखाने लाए 11 बजे हमको ड्यूटी लगा दिया, और 4 बजे पूरा साफ सुथरा करके बर्तन धो के पूरा होटल साफ करके तब रूम पे 11 बजे रात में 11 बजे लगाए हैं रात में, हाँ 10:30-11 बजे रात था यहाँ पे लेके आए थे, तो टाइम का ध्यान नहीं दिए, शायद 10-11 हुआ था, उसके बाद 4:30 बजे पूरा काम खत्म हुआ। आपका जो एजेंट था गोरखपुर में वो बोला आपसे कि हम आपको यहाँ पे मॉल पे पैकिंग की नौकरी लगवा जी, आपसे 80,000-90,000 पैसे के लिए, यहाँ पर आपको बुला के इधर पसमान में दुबई में इधर ठहराता रहा, फिर आखिर में आपको एक होटल में बर्तन दिखाने के लिए लगा दिया, वो भी विजिट वीजा पर इम्प्लॉयमेंट वीजा कोई नहीं, कोई और सैलरी भी और ये 900-1,000 रुपया ऊपर से काम भी 12-14 घंटे जी, 12 घंटा। जब भी कोई एजेंट आपको ये कहे कि हम आपको यहाँ पर जॉब दिलवा देंगे यूएई में, तो आप उससे बोलो कि हम विजिट वीज़ा पर नहीं जाएंगे, हम आप तब जाएंगे जब आप हमको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दोगे, क्योंकि जब आप विजिट वीज़ा ले लेते हो तो आपके साथ क्या होता है, आप 1-1.5 लाख उसको दे देते हो और यहाँ पर आ जाते हो, वो आपको बताएगा कि हम आपको फर्नीचर में या स्लाइडिंग के काम में या टाइल्स मैशक के काम में किसी काम में लगवा देंगे, लेकिन जब आप यहाँ आते हो उनके पास तो वैकेंसी होती नहीं, वो आपसे झूठ बोलते हैं। जेन्युइनली जो मैं यहाँ पर देखता हूँ, क्योंकि मैं फायर का काम करता हूँ, मैं बहुत सारी साइटों पे जाता हूँ, तो फिर वो सिंपली एक ही काम करते हैं, आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में ढकेल देते हैं लेबर में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में भाई आदमी ज़्यादा चाहिए 800-900 दरहम में,
और यहाँ का टेम्परेचर वर्किंग कंडीशन इतनी डेंजर है भाई कि हर किसी की बस की बात नहीं कि काम कर ले। तो फिर आदमी फंस जाता है, मजबूरी में करता है, बाकी जो नहीं करने को तैयार होता है वो घर जाता है, अपना पैसा डुबाता है।